गाइस ये देखो टोटल इतने का बिल आया साहब। बस भाई होप सब लोग सेफ हो। गाइस या वेलकम बैक हो गया सभी लोगों का अंशुविश व्लॉग्स में। एकदम ब्रांड न्यू व्लॉग है। थोड़ा सा आज बस मूड थोड़ा सा ख़राब है। वो क्यों है वो तो तुम लोगों ने टाइटल में देख ही लिया। पापा का भी आज मूड पूरा उतरा हुआ है। अब मूड ख़राब क्या है वो तुम लोगों ने टाइटल में देख लिया, बट अभी मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि हो क्या रखा है। तो ये देख रहे हो पूरा का पूरा थार में ये मेन चीज़ है। देखो ये पूरा इधर पर डेंट आ गया, ये फिर ये पूरा हिल गया, ये अंदर लाइट पूरी हिल गई है। तो बेसिकली हुआ क्या मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ। वैसे तो मेरा मन था कि वहाँ पे ब्लॉग करूँ वो सब करूँ, बट दिमाग में आता नहीं ना उस टाइम पे जिस समय पे होता है। मैं तो प्रोसेस कर रहा था कि ये हुआ क्या भाई, इतनी ज़्यादा खतरनाक है। तुम्हें पता तुम्हारा भाई 30 डेज 30 वीडियोज़ चैलेंज कर रहा है, उसमें मैंने थोड़ा बहुत टाइम निकाला, मेरे को कुछ काम से जानता। फिर चाचा लोग बोलने के चलो मैगी खाते हैं वो सब, तो मेरे को भी मन कर गया उनका चला आया, चलते घूम के आते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। मतलब दिल्ली से अभी आया हूँ मैं वैसे, बट वो काम के लिए गया था, मज़े नहीं करे कुछ ऐसा, चिल मार के आ गए बस। तो वही चीज़ था, अभी मेरा मन किया घूम के आते हैं, चलो घूम के आते हैं। भाई घूमने गए, आजकल जाम बहुत लगता है क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं ना, क्योंकि उत्तराखंड में पर्यटन बहुत है ना, मतलब टूरिस्ट बहुत आते हैं। तो हम लोग ऊपर को जा रहे थे, तो कोई तो बंदे थे वो लोग घूम के आ रहे होंगे ऊपर से। भाई हम लोग अपनी साइड पर चले जा रहे हैं, ठीक है, 10 की स्पीड से चल रहा है जाम पूरा। मैं देख रहा हूँ एक बंदा आए जा रहा है रॉन्ग साइड, आए जा रहा है। मेरे को समझ में नहीं आया, मैं अब रोकेगा, मैं हॉर्न बजाए जा रहा हूँ रोक के। फिर मैंने गाड़ी पूरी रोड से, समझ रहे पहाड़ है, और मैंने तब भी गाड़ी पूरी जितनी मैं निकाल सकता था रोड से भी निकाल दी गाड़ी। तुम लोगों को अभी क्लिप भी दिखाऊंगा मैं। भाई उसके बाद भी बंदा आया जा रहा है, मैं हॉर्न बजाया जा रहा हूँ, क्या हुआ भाई, रोकेगा अब रोकेगा। मैं बजाया जा रहा हूँ, बंदा पूरा यहाँ ऐसा आके यूं करके ठोक के चले गया। ठीक है, ये क्लिप देखो तुम लोग कौन सी साइड पर खड़ा है वो, ये देखो। मैं चाहता हूँ उस टाइम पर और भी रिकॉर्ड कर सकता, बट ऑलरेडी थोड़ा सा वो होता ना कि दिमाग यार काम नहीं करता। वैसे मैं ब्लॉग करने जा रहा था, मैं तो आराम करने जा रहा था, थोड़ा सा दोस्तों के साथ, मतलब चाचा लोगों के साथ थोड़े मजे करने जा रहा था। भाई बाद में पता चला वो बंदा सो रहा था भाई गाड़ी के अंदर, वो बंदा लेजिट सो रहा था गाड़ी के अंदर। और जब मेरे को ये चीज़ हिट करी ना भाई, मैंने बोला भाई भगवान जी थे इस बंदे के साथ। मैं तो मानता हूँ भाई मेरे साथ तो रहते ही हैं, पर इस आदमी के साथ भी भगवान जी हुआ क्यों भाई। अगर वो बंदा पहाड़ है, ये पहाड़ जहाँ पर ऐसी रोडें होती हैं और फिर जो उस साइड होती है वो सीधा खाई होती है, तुम सोचो अगर ये बंदा किसी मोड़ पे सो जाता, जो कि ये पूरा सो चुका है ट्रैफिक में जहाँ पे हॉर्न ऑन बज रहे हैं वहाँ पे ये बंदा सो चुका है और रॉन्ग साइड ला के ठोक दी गाड़ी। भाई तुम सोचो अगर ये बंदा किसी मोड़ ओड पर सो जाता तो ये सीधे खाई के पार होता और इसके साथ 3 जने और थे वो भी मरते, तुम समझ रहे हो। और मेरे पीछे एक बाइक वाला था, उसको इतना गुस्सा आया ना उस बाइक वाले को भाई, उसने सीधे चले गया वहाँ पे भयंकर लड़ने लग गया कि भाई तुम कैसे चला रहे हो गाड़ी, कैसे तुम्हें तमीज नहीं गाड़ी चलाने का, ये वो करके। फिर पता चला वो बंदा ड्राइवर सो रहा है भाई, वो लेजिट सो रहा था बंदा। वो क्या करके आए थे मुझे नहीं पता, अगर उनने नशा करा था या नहीं करा था मुझे कुछ नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में, बट भाई वो बंदा तब भी सो रहा था जब हम लोग पूरी गाड़ी ठुक चुकी है सब कुछ सो रहा है। फिर भाई वो पीछे बाइक वाला बोल रहा है भैया मैं तो आपको जस्ट ओवरटेक करने वाला था, अगर मैं आगे होता ना मैं आज मर जाता, उसने जेन्युइन यही चीज़ बोली। और फिर उसको इतना गुस्सा आ रहा था उन लोगों पे भाई, खतरनाक ही हो गया। फिर पुलिस आई, फिर हम लोग पुलिस थाने गए, फिर पूरी चीज़ें हुई, सेटलमेंट हुई। मैंने कहा भाई वो वाली चीज़ नहीं, सेटलमेंट वाली बात नहीं है कि भाई कोई ऐसी दिक्कत नहीं है सेटलमेंट वाली, बट बात ये है कि तुम पहाड़ में आके सो जा रहे हो भाई गाड़ी चलाते समय, समझ रहे हो कितनी डेंजरस चीज़ थी ये। भाई मेरे तो समझ में नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और फिर मैंने ज़्यादा इसलिए व्लॉग भी नहीं करा, कोई वीडियो नहीं बनाई मैंने, क्योंकि मेरा दिमाग ही उस हिसाब से चल रहा था। अभी चलते हैं महिंद्रा में दिखा के आते, देखते हैं खर्चा कितना आएगा, सब कुछ कितना आएगा। मेरा मन है इंश्योरेंस ना तोड़े, ठीक है, अगर छोटा खर्चा आएगा तो, अगर बहुत भारी खर्चा आएगा तो बात अलग है। क्योंकि देखो गाड़ी में लगी तो है भाई, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि गाड़ी में लगी नहीं है, गाड़ी में लगी तो बहुत बराबर है भाई। ये पूरा का पूरा तो चेंज ही होगा, देखो ये तो पूरा हिल चुका है, ठीक है, ये पूरा का पूरा निकल चुका है, इसका पूरा जितना था वो पूरा का पूरा, जितने लॉक वॉक थे वो सब बाहर आ गए, ये यहाँ से तो ये पूरा दबी गया है, इसका पता नहीं कैसे होगा। यहाँ नीचे की लाइट जो थी ये लाइट पूरी हिल चुकी है, वो बाहर ही निकल गई थी, मैंने अंदर को डाली हुई है अभी वो। और ये देखो ये रिम पूरा घिसी गया, रिम तो सही होगा ही नहीं, अब रिम तो ऐसे कैसे रहेगा, जैसे पूरा घिसा हुआ है ना रिम, ये तो घिसा ही रहेगा। अब देखते हैं कितने का खर्चा बताते हैं वो सब। भाई बस मैं ये बोल रहा हूँ थोड़ा सेफ्टी के साथ चलो यार रोड पर, मतलब मैं खास करके पहाड़ पर कह रहा हूँ, क्योंकि किसी को कुछ हुआ नहीं वो बेस्ट चीज़ है। मैं थे, पापा, चाचा, चाचा का लड़का, हम सारे थे, वो तो किसी को कुछ हुआ नहीं भाई, और बाकी थार पे भी ज़्यादा उतना डैमेज नहीं आया। बट अब देखते हैं कि खर्चा कितना आएगा, निकलते हैं, धूप भी हो रही है, फटाफट जाके दे के आते गाड़ी, देखते हैं कि कितने रुपए लगते हैं। भाई ये गाड़ी तुम लोग देख लो 300 किलोमीटर भी नहीं चली हुई है जब से ले रखी है, ये ज़्यादा चला ही नहीं है। अब देख लेते हैं यहाँ पर इंश्योरेंस पड़ा हुआ है ना सब कुछ, हाँ
चलो सारी चीजें यहाँ पर है, अब चलो चलते हैं सीधे शोरूम लेके आते हैं। जय हो महाकाल भाई। मतलब मेरे को क्या बुरा लग रहा है बता कि यार भाई पता है मेरे को क्या लग रहा है कि हमने कुछ भाई कुछ करा होता, कुछ सीखते गाड़ी में ठुकने से कुछ होता नहीं भाई। क्या सीन है पता नहीं, खड़ी खड़ी गाड़ियों के साथ आके लेके जाते लोग मजे भाई। चलो देखते हैं अब कितना खर्चा आएगा भाई गाड़ी में बनाने में। मेरा मन तो नहीं है इंश्योरेंस लिया, बहुत ज़्यादा आएगा तभी लेंगे, जैसे कुछ 40-50 हज़ार रुपये आ गया तो लेंगे, कम होगा तो हो जाए काम तो बढ़िया ही है भाई, मैं तो मानता हूँ यार। दोस्तों महिंद्रा तो पहुंच गए और हम लोगों को कहीं पर तो रुकवाया हुआ है, पापा भी आ गए। चलो फिर देते हैं गाड़ी, फिर अब हैं देते हैं, देखते हैं कितना खर्चा आएगा गाड़ी में। वो कह रहा क्लेम ले लो कर, देखते हैं फिर ज्यादा आएगा तभी लेंगे, कम में नहीं लेंगे। वो कह रहा है क्लेम तो लेना ही चाहिए, कह रहा अगर वो फर्क डालता है तो दूसरे से कर लो, इंश्योरेंस जरूरी थोड़ी है, हर कोई ऐसे ही करता कर। अच्छा कह रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ता, कह रहा दूसरी कंपनी से कर लो साले को, फिर इंश्योरेंस जाना। नहीं अगर सोचो 20,000 रुपए आए और हमने क्लेम कर दिया और हमारा इंश्योरेंस तो 20,000 रुपए से महंगा है। अब मेरे को थोड़ा इंश्योरेंस तो समझ में नहीं आता है, शायद वो भी हो सकता है। बट यहाँ भाई सारी गाड़ियाँ देख रहे हो ऐसी उसी है भाई, अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरे को डर लग रहा है यार, बहुत डर लग रहा है, बुरा लग रहा है, मतलब डर कम लग रहा है, बुरा ज्यादा लग रहा है यार। जहाँ जाओ खड़ी गाड़ियों में, खड़ी गाड़ियों में लोग मार के चले जाते हैं भाई। कितनी निकाल दी गाड़ी, कितनी बाहर कर दी रोड के पहाड़ में भाई। मैं सोच रहा हूँ आए जा रहा है बंदा, आए जा रहा है, अब रुकेगा भाई, रुक ही नहीं रहे भाई। गाड़ी की देखो तो सही हालत भाई, ऐसा दुख हो रहा है ना। अब भी लाए थे छोटी मोटी मॉडिफिकेशन करवाई पूरी गाड़ी, ये देखो भाई जी यार। लो भाई अब सर बता रहे हैं आपके हिसाब से, हाँ सर बोल रहे ये भी गया, ये तो गया ही दिख ही रहा है, ये भी गया। और ये जो है ये पूरा एक है तो ये पूरा ही गया है। अब ये पूरा नया लगेगा, ये पूरा गया, ये पार्ट पूरा, तो ये पैनल पूरा यहाँ से हटेगा, ये गई यहाँ से, लाइट में लग गई है, डैमेज हो गया भाई। यार सब छोड़ो यार, गाड़ी की पन्नियाँ भी नहीं उतारी थी मैंने तो अभी पीछे की भाई। यार भगवान के समय यार, गलती कोई और करता है, नींद में कोई और है। चलो अब क्या ही बोले भाई, जान बच गई किसी की, और क्या चाहिए भाई। वो कहीं खाए हुए में जाते, इससे बड़ी हमारी गाड़ी से लग गए, बच गए वो बहुत है भाई। अब देखते हैं कितने टाइम में होगा, भैया ने कर तो दिया ठोक ठोक के एकदम सीधा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंट है भाई, पूरा का पूरा। अब यहाँ पे डेंटिंग पेंटिंग हो रही है। अच्छा सो भी ये ख़राब ना हुए, जो ये लगने वाले ना ये ख़राब ना हुए बस भाई। ये गाड़ी का हाल देखो क्या हो रखा है पूरा भाई साहब। बस भाई होप सब लोग सेफ हो, ये लगाने के लिए बोल सकते भाई। चलो दोस्तों गाड़ी दे दी है, अब पापा जी के साथ स्कूटी में मस्त घर चलते सीधे। चलो पापा चलो, आक्रमण नहीं मतलब, चलो चलते। और बताया पापा क्या चल रहा है तुम्हारा, मजे करवा लो पापा जी क्या मजे करके आ रहे हैं। कल भी मजे करके आए, आज भी मजे करके आ रहे हैं। गाइस हम लोग घर पहुंच चुके हैं, तो गाइस फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं और इस जगह को खाली देख के ऐसा लग रहा है ना अजीब सा यार, क्या बताऊं यार। मम्मी है, मम्मी क्या बना रहे हो आज, जैसे ये देखो यार कम हो रहा है, देखो मम्मी मूड खराब करने के लिए और लौकी बना रही है। मेरी जिंदगी तो आलू लौकी बनकर रह गई है भाई। बट ये देखो यार तुम हरदा तो हरदा ही ठहरे यार, हरदा की बात अलग है भाई, हरदा की बात थोड़ी अलग है। मजाक करो यार, देखते हैं खर्चा बताया उनने। जो चीज़ें पार्ट चेंज होंगे वो है फॉग लैम्प चेंज हो जाएगा, पूरा फेंडर चेंज होगा साइड का, और जो जो चीज़ें मतलब थोड़ा आगे का मडगार्ड पूरा गया, मडगार्ड बोल रहा हूँ आगे का बम्पर गया, वो सब चीज़ें गई। और देखते हैं कितने दिनों में मिलती है, 2 या 3 दिन बोले थे, देखते हैं। सौरभ भाई ने कॉल वॉल करा थोड़ा बहुत, अब देखते हैं क्या होता है। आई होप जल्दी हो जाए काम, तो मज़ा आ जाएगा थोड़ा सा, बट देखते जो भी होगा। खड़ी गाड़ी में खा के 17,000 रुपये लग गए दोस्तों, मज़ा आ गया है बहुत ज़्यादा। नहीं अब देखते हैं कब तक का मिलती है गाड़ी, आई होप जल्दी मिल जाए। ये जगह खाली बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है भाई, अब भी तो मॉडिफाई कराई थी भाई।
एक हफ्ता भी नहीं हुआ था, 300 किलोमीटर भी नहीं चली थी। किस्मत तो भाई की बहुत ही बढ़िया है यार, घर से बाहर ही नहीं निकलता हूँ वीडियो बनाने के चक्कर में, और जब निकलता हूँ तो मजे करके आ जाता हूँ। गाइस यह है डे टू, अभी आ रखे हैं देव भाई ई करना ई भाई, इनने ब्रेस लगा रखे, देख रहे हो बचपन में अक्ल आती नहीं है, बाद में लगवा रहे निकले ना तो चलते हैं फटाफट से, गाड़ी अपनी तैयार होके धो धाल के एकदम खड़ी हुई है, खर्चा कितना है वो भी तुम लोगों को वहीं जाके बता दूंगा। अभी चलते हैं फटाफट से, गाड़ी वाड़ी लेके आते हैं, चले चलो। आज धूप कैसी हो रही है ना, लेकिन खतरनाक एकदम, अभी तक का धूप नहीं थी भाई, गॉड इसके आने से पहले धूप नहीं थी, जस्ट निकले धूप, ये आया है ना, मैं धूप लेके नहीं आया, उसके बाद ही धूप लगी है भाई, उससे पहले एकदम बढ़िया मौसम हो रहा था। अब तुम समझ जाओ भाई, तो गाइस आ चुके हैं हम लोग महिंद्रा में, अब देखते हैं गाड़ी कैसी बनी है नहीं बनी है, धुल के खड़ी है पर है कहाँ खड़ी भाई। ये रही अपनी गाड़ी, सर ने पूरी बना दी है, अब देखते हैं कैसी बनी है। अरे भाई क्या क्या चेंज करा आपने इसमें, ये पुराना, ये हाँ, ये पूरा चेंज किया है, हाँ ये चेंज किया है, हाँ ठीक है, और इसका अंदर का वो क्या फॉग लाइट चेंज की है, हाँ ऐसे ही। अच्छा ये भी आपने सही कर दिया, हाँ। थोड़ा दिखने का ना, हाँ ये आपका डेंटर है, हाँ चलो भाई गाड़ी तो एकदम चकाचक हो गई है, अब फटाफट से बिलिंग करते हैं, फिर बताता हूँ तुम्हें कितना खर्चा है, बट गाड़ी एकदम मस्त नई जैसी बन गई है। तो गाइस गाड़ी तो एकदम नई चकचकाट लग रही है, पता भी नहीं चल रहा है कि गाड़ी में लगी थी, क्योंकि इस साइड लगी नहीं थी इस साइड लगी थी, सॉरी यार थोड़ा सा गलत हो गया, पर यस देखो पता नहीं चल रहा है गाड़ी में बहुत ज़्यादा लगी होगी थी कुछ भी करके, गाड़ी एकदम नई चमक रही है। और एक और चीज़ की बीटी हो गई थी, मैं दिखाता हूँ, जैसे ना ये ना ORVM जब मैंने लाइट लगाई थी उन्होंने इसका वो ही लगाया था, बटन लगाया था, तो अब वो भी सही हो गया, देख रहे हो अब ये भी हिल रहा है, तो ये चीज़ सही हो गया। अब चलो निकलते हैं सीधे घर की तरफ को, अब मिलते हैं तुम लोगों से भाई, मेरे को इतनी खुशी हो रही है ना, गाड़ी वापस आ गई है भाई, अलग ही दिमाग खराब होता है यार, ये देखो ना भाई 300 भी नहीं चली है गाड़ी अभी तक, 300। चलो चलते हैं अब सीधे निकलते हैं घर की तरफ को, मम बोले अब देखो ना, अब लग रहा है ना कि हाँ भाई घर कंप्लीट, थोड़ी ज्यादा ही लगा दी एकदम चिपका के, पर देख रहे हो क्या सही, अब बता अब मजा नहीं आ रहा है ना, अब सही लग रहा है ना, ऐसा खाली खाली सा इतना अजीब सा लग रहा था। अब रात को 12 बजे ये गाड़ी मेरे कितनी मदद करती है तुम्हें पता नहीं है, रात को 12 बजे जिस समय मैं रिकॉर्ड या एडिट कुछ कर रहा होता हूँ उस टाइम पे मुझे एकदम से आवाज आती है धड़म, तब मुझे पता चलता है कि इसकी छत पर कोई आम गिर गया है, फिर मैं बाहर आके आम बीनता हूँ, आम खाता हूँ मस्त करके, देख रहे हो ये खाली गाड़ी इधर उधर जाने के लिए नहीं है यार, ये बहुत मदद करती है मेरी। और देखे तो ये देख रहे हो इधर भी कुछ पता नहीं चल रहा है, अब ये हिल भी रहा है क्योंकि ये पूरा चेंज हुआ है, कायदे से ये भी चेंज होगा बट उन्होंने डेंटिंग पेंटिंग करके ये सही कर दिया, और ये भी ये तो पूरा ही, खैर ये तो पूरा लंबा जो है ये पूरा चेंज हुआ है, और गाड़ी पे भी क्या शाइन मार के दे रखी, देख रहे हो गाड़ी ये मस्त भाई। तो गाइस ये देखो टोटल इतने का बिल आया 14,710 रुपए का, मैं झूठ नहीं बोलूंगा भाई, मेरे को इतना अजीब सा हो रहा है ना कि तुम सोचो कि गाड़ी खड़ी खड़ी मैं दबाए जा रहा हूँ निकाले जा रहा हूँ, और लास्ट में 15,000 रुपये ही मान लो भाई, 15,000 रुपये का पूरा चपत लग गई सर पे, बट ठीक है कोई बात नहीं, द बेस्ट थिंग इज कि उनको भी चोट नहीं लगी, मेरे को भी चोट नहीं लगी, ना ही वो बाइक वाले को खास करके, भाई वो बाइक वाला तो जो कूद के गया था ना उनके ऊपर, क्योंकि वो हम लोगों को जस्ट ओवरटेक करने वाला था, और अगर बाई चांस गलती से भी भगवान अच्छा हुआ नहीं था, बट अगर वो आगे होता ना भाई मेरे को नहीं पता क्या होता उस दिन, भाई अच्छा हुआ हमारी गाड़ी थी लग गई, सही भी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, चलो होते रहता है भाई, चलेगी गाड़ी तो हो गई, बट ठीक है फाइनली गाड़ी घर पे भी आ गई है, सही भी हो गई है, और अभी मेरे को इतना काम करना है ना, इतना काम पेंडिंग है तो मैं बता भी नहीं सकता, बताया कितना पेंडिंग है, स्ट्रीम रुक गई इसकी वजह से, लिली विल कितनी मस्त स्ट्रीम होने वाली थी वो भी नहीं हो पाई है। मम्मी कैसी लग रही है अब गाड़ी बताओ, बढ़िया लग रही है ना, ऐसे चमक के बिल्कुल एकदम नई जैसी नहीं लग रही, ऐसे लग रहा है नई थार आ गई है हमारी, तो इसका टाइटल रख दो मम्मी हमारी नई थार भाई यार फाइनली आई गई घर पे वापस।